हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज मैं लेकर आई हूँ चिकन की हेल्दी सी रेसिपी, और ये बहुत ही जल्दी घर के ही रखे मसालों से बनकर तैयार हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर तेल लेना है, तेल 2 बड़े चम्मच लेना है, और यहाँ पर हमने गरम मसाला लेना है, तेज पत्ता, काली मिर्च, लौंग, वही मसाले, नॉर्मल से गरम मसाले हमें लेना है। और तेल में पहले हल्का सा हमने भूनना है, और यहाँ पर प्याज एक कटा हुआ, नमक अपने स्वाद अनुसार, और ये है चिकन, 750 ग्राम चिकन है, बिल्कुल ही फ्रेश वाला चिकन है। और हमने यहाँ पे प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। यहाँ पर हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक को मैंने क्रश किया है और उन्हें यहाँ पर मिलाया है। यहाँ पे एक कटा हुआ टमाटर लिया है, यहाँ पर ली है 1/2 चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च। हरी मिर्ची जो हमने लिया है वो काफ़ी तीखा है, इसलिए मैंने लाल मिर्ची आधी ही मिलाई। आपको स्वाद तीखा पसंद हो तो थोड़ा सा ज़्यादा तेल मिला लीजिएगा मिर्ची। और यहाँ पर तेल छूटने तक हमने अच्छे से मसाले को तैयार कर लेना है। उसके बाद में हमने चिकन मिलाना है। चिकन मिलाते वक्त ध्यान रखना है कि मसाले अच्छे से कोट हो जाए इसमें, और यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं मिलाना है। हमको ग्रेवी में ही मसाले में अच्छे से चिकन को पकाना है 6 से 7 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर। इससे चिकन बहुत अच्छे से पककर तैयार हो जाता है। 6 से 7 मिनट बाद में चिकन कुछ इस तरीके का हो जाएगा। और अब हम जाकर पानी मिला रहे हैं। यहाँ पर हम 1/2 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी मिलाए हैं। हम मक्के की रोटी के साथ इसे सर्व करने वाले हैं ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम पानी भी मिलाए हैं। और इस तरीके से 3 से 4 मिनट तक अच्छे से इसे पका लेना है, और हरे धनिये के साथ सजाना है। उसके बाद में मैंने इसे एक प्लेट में सर्व किया है। एकदम अच्छी सी खुशबू आ रही है, घर के मसालों की रखों में बहुत अच्छे सा चिकन बनके तैयार हो जाता है। यहाँ पर मेरे लिए कटे हुए प्याज, 1 नींबू और थोड़े से चावल, चावल भी बहुत अच्छे लगते हैं चिकन के साथ। और यहाँ मैंने ली है मक्के की रोटी, कभी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। देखने के लिए आपका धन्यवाद।